लेकिन ये राष्ट्र है तो हम सब कुछ है, यह देश है तो हमारे लिए सब कुछ है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लंबे समय से अपने त्याग और समर्पण के द्वारा इस पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने का काम किया। आप सबको मैं साधुवाद देता हूं, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुझे एक बात याद आती है, मैं विद्या भारती में था तो कभी कभी बच्चों के साथ में बातचीत किया करते थे और कभी कभी कुछ पंक्तियां बोलते थे। उसमें कहा गया है कि सूरज बदले चंदा बदले बदल जाए ध्रुव तारा, पर भारत की आनन बदले यह संकल्प हमारा है। इस बात को मन में घोर करके कार्यकर्ता लगा हुआ है और यही प्रभु श्री रामचंद्र जी की तपस्या में 500 साल हो गए। हम सब प्रयत्न कर रहे हैं, चाहे शिला पूजन हो, चाहे गंगा जल रथ यात्रा हो, चाहे राम ज्योति का हो, इसमें आप सबका समर्पण कैसा रहा है। और यह कल्पना की थी कि भगवान जिस तरह से आतताइयों ने जिस प्रकार से भगवान राम के मंदिर को तोड़ फोड़ करके एक ढांचे का रूप दिया है, यह हमें स्वीकार नहीं है। और इसीलिए आप वहां पर जो 1992 के अंदर जो तूफान आया था वो आशा थी कि वास्तव में यह काम पूरा होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था, ये अगले चुनाव तक इस मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और आज मंदिर का निर्माण कर दिया, ये सबसे बड़ी बात। और आज राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान हैं और उनके दर्शन के लाभ हम ले रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार की भावना अगर पूछे तो वोट किसके लिए डाल रहे हो, मैं हिंदुस्तान के लिए डाल रहा हूं, मैं राष्ट्र के डालता हूं, इस देश के लिए वोट डालता हूं। प्रत्याशी के रूप में मैं हो सकता हूं, प्रत्याशी के रूप में महेंद्र मालवीय जी हो सकते हैं, मंच पर बैठे सब हो सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं, ये इस देश के लिए कर रहे हैं। अगर इसके लिए मुझे बॉम्बे से भी आना पड़े तो भी वोटिंग के लिए 26 तारीख को मैं उपस्थित होऊंगा। कर्मचारी है तो भी सोचता है कि नहीं, मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को पहुंचना चाहिए, डलना चाहिए, यह संकल्पना हमारे मन में है। यह आज मन में ही आ गया कि 2014 से लेकर के 2014 तक ये 10 साल का कार्यकाल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा है, उसने जनता चाह रही है कि यही हमारा प्रधानमंत्री होना चाहिए, यह दूसरी बार नहीं और तीसरी बार प्रधानमंत्री होना चाहिए। और इसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। आज यही पूछते थे किसको वोट दोगे, तो मोदी को, किसको वोट दोगे, तो मोदी जी को, किसको वोट दोगे, तो मोदी जी को, किसको दोगे, तो कमल के फूल को देंगे, किसको देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को। ये बड़े बड़े काम किए हैं। मुझे तकलीफ होती है कि यह तीन तलाक की बात आई जिस दिन ये हमारा पास हुआ यह कानून, और उस समय ये बात हो रही थी एक व्यक्ति अगर किसी महिला को तलाक 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 तीन बार कहते ही संबंध विच्छेद, फिर तीसरी बार फिर तलाक तलाक तलाक, और उसके बाद में फिर, और एक बार दो बार तीन बार चार बार अगर हो तो इसकी संतान जब भटकती है तब याद आता है समाज को वास्तव में कितना बड़ा गलत नियम है, कानून है। कोई नहीं बोला, नियम पास हो गया और आज अमन चैन है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे कई काम, हमारा रेल का काम था, रेल का काम प्रारंभ हो गया, अश्विनी जी वैष्णव और प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया कि रतलाम से लेकर के अहमदाबाद वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल हमारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 108 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की, इसके बाद 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, उसके बाद अभी हाल ही 150 की दी, डूंगरपुर रेलवे स्टेशन 18 करोड़ रुपया 43 लाख रुपया दिया, उदयपुर के अंदर 350 करोड़ रुपया दिया। ये इस तरह से रेलवे स्टेशन का सुधारा किया और 12 ट्रेनें डूंगरपुर में चालू हो गई, और ये हमारा ये जो रेल है वो भी बदरेल के अंदर शुरू इस काम को कराया, हर नवागांव खेड़ासा के अंदर इस काम को शुरू करा दिया। आने वाले समय में ये 5 साल होंगे ये रेल यहाँ दौड़ती हुई नजर आएगी, और हमारा गरीब भाई है वो सीधा रेल में बैठ करके सीधा कम पैसे में अहमदाबाद जाएगा, सूरत जाएगा, बॉम्बे जाएगा, आगे और देश के कोने में जाएगा। और इसलिए हम निश्चित रूप से यह कहना चाहेंगे यह काम बहुत ही अच्छा हो रहा है, हाईवे का काम हो रहा है, और इसके अलावा भी हमारे कई काम ऐसे हैं, चाहे वो हमारा जनधन का खाता खोलने का, हमारा जो गरीब कल्याण योजना के अंदर वो 2 लाख थैलियां हमने बांटी थी, इसके अंदर गेहूं लेके जाना अपने घर में ले जाना, और फिर
माता बहनों ने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से हम करेंगे। ऐसा इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, समय का अभाव है, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, 5 साल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, उसके अंदर जो विकास के काम चाहे राजस्थान में हो चाहे दिल्ली के अंदर हो, जिस प्रकार से काम किया है आप सबके सामने है, और उसके आधार पर आज ने महेंद्र जी मालवीय जी को आज यह प्रत्याशी बनाया गया है। भारी से भारी मतदान करके 26 तारीख को मतदान अच्छी करके इनको जिताएं, यही अपील करते हुए मेरी बात को यही रोकता हूं। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।